लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, अंधेरा है और उसके बावजूद राहुल गांधी जब करीब तीन से चार किलोमीटर यहाँ से आगे हैं, तब भी जो है वो लोग चले जा रहे हैं। कोई नेता इनके साथ में नहीं है, अपने से लोग चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, देखिए जरा थोड़ा तस्वीर आप दिखाइए, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, उसके पास में अपना बैग है, वो लेकर भी चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा आज 6 दिन पूरे कर रही है और केरल में इस वक्त हम मौजूद हैं। और एक चीज़ को आप देखने की कोशिश कीजिए, ये यात्रा करीब करीब जो है वो राहुल गांधी इस यात्रा में यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे पहुँच चुके होंगे और यात्रा उनकी ख़त्म होने वाली होगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अंधेरा है, हमारी रोशनी जो है वो इस कैमरे की और कैमरे के ऊपर जो लाइट लगी है उसकी रोशनी है, और बाकी आप देखेंगे रोशनी नहीं है, लोग अपने आप से पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो राहुल गांधी यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे होंगे, लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं। और देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा था, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, लोग जो हैं वो आप दिखाएंगे जरा, देखिए आप दिखाइए, लोग जो हैं उधर कच्चे रास्ते से भी आ रहे हैं, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, क्योंकि अभी रात का समय हो गया है, लाइट की यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन आप देखिए वो उधर से भी देखिए, झंडा आप खोलेंगे जरा, झंडा खोलेंगे, इधर यात्रा में है झंडा, ये देखिए इनके हाथ में है, आपको झंडा दिखेगा, ये फ्लैग होस्ट हाँ, देखिए आप एक बार जरा दिखाइए, तस्वीरें आप दिखाइए, सेम फ्लैग होस्ट लाइक दिस, हाँ ये देखिए आप, ये दिखाइए एक बार जरा, खोलिए, ये देखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो है वो झंडा है इनके हाथ में, ये लीजिए आपका झंडा लीजिए। तो तस्वीरें मेरा दिखाने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो है भारत यात्रा वो वोटों के लिए है, रैली के लिए है। तो अगर वोटों के लिए होती है तो उसमें क्या होता है कि हमने बहुत सारी रैलियाँ कवर की हैं, आपने बहुत सारी रैलियाँ देखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अंधेरा है और उसके बावजूद राहुल गांधी जब करीब 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से आगे हैं, तब भी जो है वो लोग चले जा रहे हैं, कोई नेता इनके साथ में नहीं है, अपने से लोग चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, देखिए ज़रा थोड़ा तस्वीर आप दिखाइए, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, उसके पास में अपना बैग है, वो लेकर भी चल रही हैं। यानी ये देखिए आप तस्वीर, और ये तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफ़ी है। और आगे तक देखिए ज़रा तस्वीर आप, ये लास्ट नहीं है, इसके पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं, पीछे भी बहुत लोग हैं और आगे भी बहुत लोग हैं। और ये वो तबका जो है वो तस्वीरें हैं जब आपका नेता या आपको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में हम देखते हैं कि सेल्फी की राजनीति है, आप सेल्फी खिंचवाते हैं नेता के साथ में और अपने घर वापसी चले जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, राहुल गांधी नहीं है और कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग चले जा रहे हैं, पैदल पैदल लोग चले जा रहे हैं, लोग आगे और बोल रहे हैं कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पैदल पैदल अपने से चलते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय में, मौजूदा समय में राजनीति सेल्फी की हो गई है, सेल्फी खिंचवाई, नेता के साथ में लोग घर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब तो नेता है, ओमन चांडी है, मैं हूँ, मैं पीसीसी सेक्रेटरी यूपी का, अब क्या और कौन सा बड़ा नेता चाहिए? राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं। नहीं, मेरा जो कहने का मतलब जो मेरा ये है कि राहुल गांधी 3 किलोमीटर के आसपास आगे हैं और उसके बावजूद भी लोग अपने से चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है कोई नेता नहीं देख रहा है तो चलो वापस घर को चलते हैं, गाड़ी में बैठ लेते हैं। लोगों के अंदर उत्साह है, वो नेता है नहीं है सब चल रहा है, पूरा केरला चल रहा है साथ में, कोई उसमें इतना मोटिवेशन है। देखिए वो बैठ गए सड़क पर, तो लोग थक जाते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं, बहुत चला और एकदम कोई थकान नहीं, कोई निराशा नहीं, और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हम लोग को कश्मीर पहुंचने का एकदम दिमाग। देखिए ये देखिए आप, अभी भी जो रात का समय है और रात के समय पर भी जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हेलो करके जो है वो इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। तो ये केरल में लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का स्वागत हो रहा है और लगातार जो ये यात्रा है बढ़ रही है। हिंदी आती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज के समय में राजनीति इस तरह की हो गई है कि अगर आपका जो शीर्ष लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, अगर वो नहीं है या वो चले गए हैं, ऐसा होता है कि कहीं पे भी कोई बड़ा नेता आता है, वो रैली में बोलता है, तो उसके 2 मिनट बाद में पूरी रैली खाली हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी 2-3 किलोमीटर आगे चले जा चुके हैं, फिर भी लोग अपने से खुद से चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी चले गए तो बसों में बैठ गए हैं या वापसी मुड़ करके चले गए। आप समझो ना, राहुल जी एक सोच है, वो सोच इस स्टेट का लोगों ने ले लिया है, जो जो वक्त वो दे रहा है वो इधर का लोग उसको अपनाया है, इसलिए इतना बड़ा भीड़ इधर उमड़ा है। आप जानते ही है राहुल जी क्या है। राहुल जी अपना देश के लिए, अपना वतन के लिए पूरा जी जान दे के काम कर रहे हैं। कितना किलोमीटर चल रहा है आप देखो, 3,500 किलोमीटर राहुल जी पैदल चल रहे हैं। कौन सी नेता ऐसा किया है? आप कितने दूर चल रहे हैं? मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ जा रहा हूँ। अच्छा, तो 100 किलोमीटर जो है वो आपने भी पूरा कर लिया है? पूरा कर लिया है। और आखिर तक करेंगे? आखिर तक करेंगे, क्योंकि हमारा नेता राहुल गांधी है। देखिए, ये रात का समय है और अभी भी जो है लोग थके नहीं है। अब अभी भी देखिए नारे लग रहे हैं, सुबह का समय। देखिए आप लोग दिखाइए, राहुल गांधी के चाय में भी काफी देर हो चुकी है और उसके बावजूद देखिए आप लोग खड़े होकर के देख रहे हैं कि इस यात्रा में कितने लोग हैं। इस बात को लोग खड़े होकर के देख रहे हैं और ऊपर छतों पर देखिए आप, छतों पर भी, नीचे भी लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिरकार ये लोग कब खत्म होते हैं। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो कई किलोमीटर तक इसी तरह से लाइन है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मुक्की है या भागम भाग है, किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाने वाली बात है और नेता जी चला गया तो वापसी, ऐसा नहीं है। देखिए आप, और नारेबाजी करते हुए अभी थोड़ी दूर आगे जाकर के ये यात्रा पूरी होगी और इस यात्रा को जो है लोग लेंगे। देखिए महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी पैदल चल रही हैं। आप भी पैदल चल रही हैं है? तो आप कितने किलोमीटर पैदल हो गया? इतना किलोमीटर है? आज 10 किलोमीटर है? यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर श्रीगारी। सो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट? इवनिंग शिफ्ट। सो देखिए आप, 14 किलोमीटर सुबह हम लोग चले थे और 14 किलोमीटर के बाद में अब शाम को चले हैं और 10 किलोमीटर ये बता रही है कि शाम को ये यहाँ से लोकल हैं, 10 किलोमीटर ये है यहाँ से यहाँ पर जुड़े हैं और ये लोग अभी भी लगातार चल रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था कि इतना जुड़ाव वो तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ दिल से जुड़े, वरना बगैर नेता के, बगैर माइक के, बगैर लाइट के पब्लिक आज के समय पर नहीं जुड़ती है। एक सच्चाई है, लेकिन फिर भी लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप में वाकई बहुत अलग बात है ये, और ये बात हैरान करने वाली है, खास करके सिर्फ में बैठी सत्ता के लिए कि इस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर